सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। सो गाइज, काफ़ी दिनों से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सोचा आज की आपको मज़ेदार से कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो आपने जो बुक्स हैं उनको बड़े तरीके से इस्तेमाल किया होगा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन आज मैं जो एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ किताबों की मदद से करने वाला हूँ। तो यकीनन ऐसा करने वाला हूँ जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब हम एक पेज पे दूसरे पेज रखते हैं तो उसको एक रगड़ें तो कुछ फ्रैक्शन ही पैदा होती है। तो बाद दफ़ा हमने साइंस की किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं प्रैक्टिकल करूँगा वो इन बुक्स की मदद से करूँगा। वो क्या करूँगा और कैसे करूँगा वो मैं आपके साथ बताता हूँ। हम दोनों किताबों को लेंगे, हर एक किताब का एक एक पेज वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर उनको जो आगे का कमाल है वो आपको वीडियो के बाद नहीं बताते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे हमने करना है। तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, इन किताबों को हम कुछ इस तरह से ज़मीन पर रखेंगे और पहले इस पेज को ऐसे करेंगे और इसको जो इसका पेज है इसके हम इसके पेज के सेम इसके ऊपर रख देंगे और एक वाला ये इसको फिर यहाँ करेंगे और फिर सेम है ऐसे ऐसे कल्टी करके एक दूसरे के ऊपर वन बाई वन करके हम पूरी बुक्स को इसको वन बाई वन इधर कर देंगे और इसको भी वन बाई वन इधर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से गाइस इसके जो इसका एक मिनट, सो गाइस कुछ इस तरह से इसका एक पेज यहाँ फोल्ड करेंगे और दूसरे का इसके सेम इसके ऊपर और फिर इसका इसके ऊपर और ये चीज़ ऐसे ऐसे वन बाई वन, एक यहाँ पे आ गया, इसका इधर आ गया, इसका ऐसे ऐसे वन बाई वन हम इसके पूरी बुक्स को एक दूसरे के ऊपर शेड करेंगे और फिर इसके बाद जो आगे का स्टेप है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस साथ साथ एक और बात बताता चलूँ, ये जो बुक्स हैं सिर्फ पढ़ने और लिखने के काम आती हैं और हम जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए करना चाह रहे हैं ताकि आप भी इंटरटेन हो और हम भी इंटरटेन हो। और आप प्लीज़ इसकी कोई बेअदबी मत कीजिएगा, हम सिर्फ एक नॉलेज के लिए और इंटरटेन होने के लिए सिस्टम कर रहे हैं। तो आप इसको सिर्फ इंजॉय करें, देखें और इसके साथ बेअदबी मत। इस तरह से हम एक बुक के अंदर सुराख करेंगे कुछ दो टाइप के और एक यहाँ पर करेंगे इसको इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ पे और एक ऐसा ही सेम यहाँ पे करेंगे। सो गाइस कुछ इस तरह से हमने दोनों बुक में सुराख कर लिए हैं, जैसे आपको दिखाऊँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और दूसरी के भी हमने यहाँ दोनों साइडों पे सुराख कर लिए हैं। और अब मैं यूज़ करूँगा इसके साथ इन टाई क्लिप को, इनकी मदद से हम इनको यहाँ से बंद करेंगे। कुछ इस तरह से टाई क्लिप को हम इसके अंदर लगाएंगे कुछ ऐसे और फिर यहाँ से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, इनमें जो हमने सुराख किए हैं इसके अंदर भी हम कुछ इस तरह से टाई क्लिप लगा देंगे। तो भाई देख सकते हैं ये कितनी मजबूती से लग सकते हैं, टाई क्लिप इतने मजबूत होते हैं कि हम इनको हाथों से तो मामूली से बात है इनको खींचना नामुमकिन होता है। जो आप आगे का काम है, आगे का काम हम कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो बुक्स हैं उसके पेज को वन बाई वन एक दूसरे पर फोल्ड करेंगे, तो मैं वो फोल्ड करता हूँ और फिर आगे हम इसका काम देखते हैं। तो गाइस नॉर्मली हमने इसके अंदर जो टाई क्लिप लगा दिए हैं, अब जो आगे का काम है वो मैंने आपको बताया था कि हमने हर बुक्स को खोलेंगे और वन बाई वन पेज को एक दूसरे पर फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसका पेज यहाँ रखेंगे, ये इसका टाई क्लिप लगाने का गाइस मकसद ये था पहले कि अगर हमारा जो पेज है वो इसके टाई क्लिप के अंदर टाइट ना हो रहे ताकि हमें बाद में खींचने में, अगर आप लोग ये ना समझे कि पता नहीं टाई क्लिप जो है वो पेज के अंदर लगा दिए, तो इसलिए हमने पहले लगा दिए और बाद में हम पेज को फोल्ड करेंगे। तो एक मैंने इसका पेज लिया और एक इसका और फिर ऐसे वन बाई वन मैं इसके पूरी बुक को करता हूँ, फोल्ड करता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं बिना किसी गिलू गम के और बिना किसी टेप के हम एक पेज जो है एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर रहे हैं। तो इसके अंदर ना ही हमने कोई गम लगाई है ना ही कोई टेप लगा रहे हैं ताकि जिसकी वजह से ये चिपकें, बिल्कुल सेम सादा जो पेज हैं उनको एक दूसरे के ऊपर आसानी से ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देख
सो गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने ये अपने जैसे मैंने आपको बताया था कि हर जो बुक के पेज हैं उनको वन बाय वन एक दूसरे पे फोल्ड कर देना है। तो अगर आपको दिखाऊं ये देखें बिल्कुल बिना किसी ग्लू गम के बिना किसी टेप के हमने इसको फोल्ड किया हुआ है और ये कुछ पेज बच गए थे क्योंकि इस बुक के पेज ज़्यादा थे और इसलिए हमने एक साथ कर दिए। अब लास्ट में जो बचा है ये सिर्फ गत्ते हैं ताकि इसके जो कवर बाहर के हवा की वजह से उड़े नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर जो है डबल साइडेड टेप को छोटा सा पीस लगाएंगे ताकि ये सिर्फ ये ना हिले। यहाँ पे कुछ यहाँ लगा देंगे हल्का सा और ये इसके ऊपर चिपका देंगे, बस इस वजह से ताकि ये हवा के साथ नो। दूसरी साइड पे भी बिल्कुल ऐसे छोटा पीस लेंगे और उसको भी ऐसे ही चिपका देंगे। कुछ इस तरह से ताकि ये पेज फोल्ड ना हो। तो अब जो मेन चीज़ है वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो हमने टाई क्लिप लगाए थे गाइस, इसका जो मेन मकसद था वो आपको अब बताता हूँ। तो आपको जो बुक की पावर है वो आपको खींच के दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने बिना किसी ग्लू गम के बिना टेप के हमने जो एक दूसरे को फोल्ड किया है इनके अंदर कितनी पावर आ चुकी है। तो आप देखें मेरे अकेले की तो बस की बात नहीं है इसको खींचना, तो अभी मैं किसी को बुलाता हूँ साथ में खींचने के लिए, फिर ट्राई करता हूँ कि इसके अंदर कितनी पावर है। तो गाइस अभी मैंने अकेले ने तो बहुत ज़ोर लगाया लेकिन मेरे अकेले की बस की बात तो नहीं थी खींचना। अभी जो इसकी दूसरी और बंदे को बुलाता हूँ साथ में खींचने के लिए, तो इसको पकड़ाता हूँ यहाँ से और अब हम अकेले ज़ोर लगाते हैं। तो ज़ोर लगा, ज़ोर ज़ोर से फुल ताकत लगा दे, फुल जंप जंप मार जंप मार। तो गाइस आप देख सकते हैं फुल मैं ज़ोर तो लगा, फुल आप देख सकते हैं कितना मैं ज़ोर लगा रहा हूँ बिना, ना ही हमने इसके अंदर कोई ग्लू टेप लगाई है ना ही कोई हमने टेप लगाई है। हाँ चुभ रही है, चलो यहाँ पर रस्सी बांधते हैं एक मिनट, अभी तो कुछ किया हम इसके रस्सी बांधते हैं और फिर रस्सी की मदद से खींचते हैं क्योंकि ये जो टाई क्लिप है हाथ में चुभ रहे हैं और रस्सी बांधते हैं। यार रस्सी लेके आओ, रस्सी लेके आओ फिर बांधते हैं। कई हाथों की बस की बात तो नहीं थी, हमने बहुत ज़ोर के खींचा तो टाई क्लिप जो है वो हमारे हाथ पे चुभ रहे थे, तो अभी हमने कुछ रस्सी बांध दी है इनकी मदद से, ट्राई करते हैं। तो जितना ज़ोर लगता है मैं तो फुल लगाऊंगा, चल लगा ज़ोर लगा, जितना लगता है लगा फुल ज़ोर, जितना है लगा फुल ज़ोर लगा। तो अभी मेरे ख्याल से एक और बंदा ट्राई करते हैं। यार इधर आओ, आप भी इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसके साथ ही चलो, इसके साथ ही जितनी जान है ना, जितनी जान है फुल लगा देनी खींचने में, सही है ना दोनों दोनों, चलो खींचो। ओ तो गाइस आप देख सकते हैं यार इसकी जो है टाई क्लिप टूट गई है, रस्सी भी टूट गई है लेकिन इसकी जो बुक है वो बिल्कुल नहीं उखड़ी। तो अभी मैं ऐसे कुछ ऐसा करता हूँ इसके अंदर जो ना मोटी टाई क्लिप लगाता हूँ और उसके बाद हम इसको कुछ बंदे एक और दो और मंगवा लेते हैं, उसके बाद इसको ट्राई करते हैं क्योंकि जो इसकी ताकत है वो आपको अंदाजा हो गया होगा काफ़ी है। और मैंने आपके सामने ना इसके अंदर कोई ग्लू टेप लगाई है और ना ही कुछ और, तो अभी मैं इसके जो है मोटी टाई क्लिप लगाता हूँ फिर उसकी मदद से हम इसको और थोड़ी ताकत से खींचते हैं। तो गाइस मैंने इस साइड पे टूटी थी तो बल्कि इस साइड पे तो अभी सही है, इस साइड पे टूटी थी तो मैंने देखें पहले से भी मोटी टाई क्लिप लगा दी है, तो इस साइड पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टूटी ही नहीं है अभी, तो जरूरी खर्चा करना है हमने इतना, जहाँ टूटी है वहीं लगा देते हैं। तो यहाँ दोबारा से रस्सी बांधता हूँ और फिर ट्राई करते हैं। तो ये इतनी मजबूत है गाइस, इतनी मजबूत है कि मेरे ख्याल से तो हम इसको टोचन लगा के भी गाड़ी को जो खींच सकते हैं। अभी छत पे तो हम अपनी गाड़ी नहीं लेके आ सकते वरना आपको टोचन करके भी ज़रूर दिखाते हैं कि कितनी मजबूती से हम इसको बना सकते हैं। तो इधर आओ बैठ जाना। तो गाइस देख सकते हो वहाँ पे सिर्फ दो बंदे एक साइड पे खींच रहे हैं और मैं एक साइड पे खींच रहा हूँ और आपको दिखाया कि बिना किसी ग्लू गम के जो इसके अंदर की पावर है वो है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ दोबारा खींचते हैं, इसको ज़ोर लगाते हैं बड़ी टाई क्लिप की मदद से, तो जितना ज़ोर खींचो खींचो अभी फुल ज़ोर लगाओ। ओ यार देख इतना जोर खींचो खींचो अभी फुल जोर लगाओ। ओ यार देख तो बस अभी भी ये नहीं टूटी, आप देख सकते हो कि दूसरी साइड की जो टाइकली पे जहाँ हमने लालच की बिना पे लगाई नहीं थी सिर्फ वो टाइकली दोबारा से टूट गई है। अभी इधर दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं मोटी वाली टाइकली लगाता हूँ इस साइड पे भी, लालच किया था कि शायद ना ही टूटे लेकिन जो है वो टूट ही गई यार। तो गाइस आपने जो बुक पावर है वो बहुत जगहों पे इस्तेमाल की होगी पढ़ने लिखने में लेकिन ऐसी जो पावर है बुक की वो आपने यकीनन पहले कभी इस्तेमाल नहीं की होगी। देखो इस तरह से मैं दोबारा लगाता हूँ इसको, मैंने रस्सी को है ना बल दे दिए दो बार ताकि और मजबूती हो जाए इसकी और फिर
कुछ इस तरह से। चलो इसको भी दो बॉल देते हैं, रुको रुको इसको भी दो बॉल देते हैं ताकि ये टूटे नहीं, फिर इसको बाद करते हैं, रस्सी नहीं टूटे। उसको भी, उसको तो मैंने दो बॉल दे दिए, इसको भी, इसको पकड़ो, मजबूती हो जाएगी इसकी और ज़्यादा। कुछ इस तरह से, तो अभी जो है इसकी मजबूती हो गई है, तो अभी फिर ट्राई करते हैं। चलो अभी लगाओ जोर, जोर लगाओ, जोर लगाओ यार, ये तो मेरे को खींच रहे हैं यार, जोर लगाओ, जोर लगाओ यार, ये तो मेरे को खींच रहे हैं यार, एक साइड में ताकत ज्यादा होगी, लगाओ लगाओ फिर जोर लगाओ, जोर लगाओ यार, ये एक साइड में ताकत ज्यादा होगी, मुझे लगता है किसी को बुलाना पड़ेगा यार। यार तुम इधर आ मत, इधर आ, इधर आ, एक उस साइड पे चला जाए, बच्चा एक इस साइड पे आ जाते हैं। चलो एक इस साइड पे आ गए, दो इस साइड पे आ गए बहुत जान है ये, देखा ये देख रहे हो अपनी जान छान दिखा रहा है अभी क्या करता है। चलो इस साइड से कर लेते हैं, वहाँ खड़े हो जाओ वहाँ, ताकि इससे क्लियर आती है। You know, angle is very close. For you know, for you know. चलो जोर लगा, जोर जोर, भी कुछ भी नहीं, और कितना कितना जोर लग रहा है, और गिर गया माइक, गिर गया कल मेरा माइक निकल के नीचे गिर गया, लेकिन अभी तक आपको दिखाओ बिल्कुल भी इस पर जरा सा भी फर्क नहीं आया कि इसका एक पेज भी उखड़ा हो, तभी मैं माइक दोबारा सेट करता हूँ, फिर दोबारा से इसको जोर लगाते हैं हम लोग दोबारा से। सो गाइस पहले हमने इतनी कोशिश की मेरे, लेकिन माइक गिर गया नीचे, दो बंदों के जोर है, दो उस साइड पे, दो इस साइड पे, फिर भी लेकिन ये नहीं खुल पाया, तो अभी दोबारा से ट्राई करते हैं, माइक मैंने दोबारा से सेट किया है और यहाँ से दोबारा पकड़ते हैं और अब ट्राई करते हैं। चलो गो रेडी, लगा लो जोर, इतना जोर लगा सकते हो, खींच ले जोर लगा लो, जोर लगाओ यार, जोर यार गाइस यकीन जाने यार, इतना मजबूती मैंने आज तक इस बुक की पावर नहीं देखी होगी, इतनी तो मजबूती शायद टोचर नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम इसको गाड़ी से खींचें तो यकीन ये गाड़ी भी खींच सकती है, इतनी मजबूती। क्या मैं आपको इसकी मजबूती का और खासियत बताऊं, हमने आपको ट्राई करके दिखाया इतनी पावर इसकी, तो अभी भी देख सकते हो, अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो बिल्कुल पेज अलग अलग हो जाते हैं, ये देखिए हवा से अभी भी बाहर हो रहे हैं, ना ही कोई गिलू टम में, ना ही गिलू गम में, और ना ही कुछ इसमें टेप लगी हुई है, अभी भी आपको दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल गिलू गम के हजारे पेज अलग अलग बिखर रहे हैं, कोई भी गिलू गम या कोई भी टेप का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये टुकड़ा हमने आपको बताया था कि हमने किया ताकि ये पेज रुक सके। तो गाइस यकीनन आपने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी होगी बुक्स की, मैंने जो देखी है ऐसी गाड़ियाँ देखने के लिए जो गाड़ियों को टोचन लगाते हैं या फिर बड़ी बड़ी रस्सियों की मदद से खींचते हैं, उनमें भी शायद ऐसी ही ताकत हो, लेकिन मैंने जो बुक्स की किताबों की जो ऐसे वन बाय वन पेज रखने के बाद जो ऐसी इसकी ताकत बनी है, मजबूती बनी है, मैंने तो कभी नहीं देखी और यकीनन आपने भी पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।